हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री में जितने फार्मूले होते हैं सबको डिस्कस करेंगे, उनको किस तरह से याद किया जा सकता है वो भी समझेंगे। इन फार्मूलों को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा यहाँ बोर्ड पे करवाने का क्या मकसद है, क्योंकि जब हम किस चीज़ को देखने के साथ साथ सुनते हैं तो वो चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट फार्मूला है, हाँ जी, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ साइंस केयर 30 डिग्री प्लस कोस केयर 30 डिग्री, एंगल क्या 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन होती है। ठीक है दोस्तों, 30 आ जाए 60 आ जाए, बस दोनों की जगह पर यहाँ पर सेम आना चाहिए, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप क्या रखोगे, वन। ठीक है, उसके बाद सेम यहीं से, हाँ जी, आपको क्या करना है, साइंस केयर को इस तरफ रखना है, साइंस के थीटा को, कोस के उधर जाके क्या हो जाएगा, बीच में इक्वल का साइन है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, वन माइनस के कोस के थीटा। ये आपका दूसरा फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तीसरा फार्मूला, अब कोस के थीटा को इस तरफ रखो और साइंस के थीटा जाके उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड फार्मूला हो गया। ठीक है, आप तीनों को याद रखोगे एक साथ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखते हैं। हाँ जी, फोर्थ क्या होता है, सिकेंड्स के थीटा माइनस के टेंस के थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन होती है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, आपको क्या करना है, सिकेंड्स के थीटा को इस तरफ रखो, ये उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, वन प्लस में टेंस के थीटा। सिक्स्थ, अब क्या करना है आपको, टेंस के थीटा को इस तरफ रखो, साइन आगे माइनस का है, हाँ जी, तो उधर जाके वन माइनस के क्या हो जाएगा, सिकेंड्स के थीटा। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लो, सिकेंड्स के थीटा को आगे लिख लो, माइनस के सिकेंड्स के थीटा, और ये वन पीछे लिखा गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिकेंड्स के थीटा माइनस के वन। ठीक है, माइनस यहाँ भी था और माइनस यहाँ भी था, तो ये कट गया, तो ओवरऑल फार्मूला क्या बन गया, टेंस के थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, टेंस के थीटा किसके बराबर आ गया, सेकेंड्स के थीटा माइनस के वन, ये खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तीन फार्मूले आपको एक साथ याद रखने हैं। और फार्मूले देखते हैं, हाँ जी, सेवन्थ फार्मूला क्या है मेरे पास, कोसेकेंड्स के थीटा माइनस के कोट्स के थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, कोसेकेंड के थीटा को इस तरफ रखो और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का कोर्स के थीटा। सेम जैसे यहाँ पे, अब क्या करना है मुझे, माइनस कोर्स के थीटा और कोसिकंड के थीटा को उधर ले जाएंगे, ऐसे सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके आएगा मेरे पास कोसिकंड्स के थीटा माइनस के वन। ठीक है दोस्तों, तीन फार्मूले ही हो गए। ठीक है, इस तरह से आप पेयर में याद रखोगे, इन तीनों को एक साथ, इन तीनों को एक साथ, इन तीनों को एक साथ, एक दो बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके याद हो जाएंगे। आइए और फार्मूले देखते हैं। जैसे टेंथ फार्मूला है मेरे पास, साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए भी एंगल है और बी भी एंगल है। जैसे मैं आपसे साइन, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। इलेवंथ, जब एक प्लस की जगह पे हमें माइनस आ जाए तब क्या रहेगा, सिंपल आपको चेंज क्या करना है, बस प्लस की जगह पे यहाँ भी क्या करना है, माइनस करना है। आप इस तरह कोरिलेट करके याद करोगे तो आपके फार्मूले ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इन दोनों को याद रख सकते हो एक साथ। उसके बाद ट्वेल्थ फार्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए और साइन बी। ठीक, 13 फार्मूला, कोस ए माइनस के बी, कोस ए माइनस के बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस के साइन ए और साइन बी। इन दोनों को एक साथ याद रखोगे और इन दोनों को एक साथ याद रखोगे, कैसे, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी, प्लस वाले में माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद रखोगे। आइए और फार्मूला देखते हैं, आइए और फार्मूला देखते हैं। 14 फार्मूला है, जैसे
कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी था, ऐसे टेंजेंट ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन वन माइनस के टेंजेंट ए डॉट में टेंजेंट बी। ठीक है दोस्तों, 15 जैसे यहाँ प्लस की जगह पे आप क्या आ जाए माइनस आ जाए, बस आपको करना क्या है फार्मूले में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ प्लस माइनस कर दो, और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ क्या कर दो प्लस कर दो। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले से रिलेटेड एक रिजल्ट बहुत यूज होता है फार्मूलों में, वो क्या वो भी देख लेते हैं, टेंजेंट 45 प्लस में थीटा। ठीक है दोस्तों, करना क्या बस एक ही जगह पे क्या रख दो 45 रख दो। हाँ जी रखते हैं, टेंजेंट 45 प्लस में टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस के टेंजेंट 45 और टेंजेंट थीटा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पीछे बताया था टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको सॉल्व करके आएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन थीटा। दोस्तों ये रिजल्ट बहुत यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ किया जाता है इसकी जगह, अगर यहाँ पे माइनस होता सिर्फ यहाँ पे माइनस आता है यहाँ प्लस आ जाता। ठीक, आइए और फार्मूला देखते हैं। 17 फार्मूला है जैसे कोट ए प्लस बी का फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कोट ए कोट बी प्लस 1 ओवर कोट ए माइनस के कोट बी। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला ये होता है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाए माइनस आ जाए तब ये फार्मूला क्या रहेगा, बस आप प्लस की जगह पे माइनस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये इसका फार्मूला, आप इन दोनों को याद कर सकते हैं। 19 फार्मूला है जैसे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन स्केयर ए माइनस के साइन स्केयर बी, एक तो ये होता है, या कोस्केयर बी माइनस के कोस्केयर ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई सा फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का एक ये फार्मूला होता है और एक ये फार्मूला होता है। 20th फार्मूला देखते हैं, जैसे यहाँ पे साइन था अब यहाँ पे कोस आ जाए, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, कोस्केयर ए माइनस के साइन स्केयर बी, या कोस्केयर बी माइनस के साइन स्केयर ए। ठीक है दोस्तों, आप इन दोनों फार्मूलों को साथ में याद करें, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे याद करेंगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का तो ईजी है, आप इसको ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला स्केयर माइनस के बी स्केयर होता है ऐसे याद कर लो। ठीक है, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, कोस हमेशा आगे रहेगा। ठीक है दोस्तों, कोस्केयर ए माइनस के साइन स्केयर बी और कोस्केयर बी माइनस के साइन स्केयर ए। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आइए और देखते हैं, 21 फार्मूला है मेरे पास, 2 साइन ए कोस बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए बी एंगल है तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस के बी। ठीक है दोस्तों, हाँ जी 22, अगर यहाँ पे 2 कोस ए साइन बी आ जाए, ठीक है दोस्तों, तो फार्मूला क्या रहेगा, बस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा और सारा फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। 23 क्या है, 2 साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। और 24 2 जैसे साइन ए साइन बी था ऐसे कोस ए कोस बी आ जाए तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, आप इन दोनों को एक साथ याद कीजिए, इन दोनों को एक साथ याद कीजिए और इन दोनों को एक साथ याद कीजिए। 25th क्या है, साइन एक्स प्लस में साइन वाई, एक्स वाई यहाँ पे क्या है एंगल है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। उसके बाद 26, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ साइन चेंज कर दो, प्लस की जगह पे क्या कर दो माइनस कर दो, तो यहाँ साइन चेंज हुआ तो यहाँ पे भी साइन चेंज कर दो, हर जगह पे जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दो और जहाँ माइनस था वहाँ क्या कर दो प्लस कर दो। ठीक है, उसके बाद 27,
27 क्या जाए साइन एक्स प्लस साइन वाई है, ऐसे ही कोस एक्स प्लस में कोस वाई। इसका फार्मूला क्या होता है, टू कोस एक्स प्लस वाई बाय टू और कोस एक्स माइनस के वाई बाय टू। उसके बाद 28 जैसे यहाँ साइन एक्स माइनस साइन वाई था, ऐसे ही कोस एक्स माइनस के कोस वाई का फार्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू। हाँ जी, जैसे इन फार्मूलों में x माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आप ध्यान रखोगे वो क्या है, साइन y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, आप इन दोनों को एक साथ याद रखें और आप इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 29। ठीक है दोस्तों, साइन 2a, इसका फार्मूला होता है टू साइन ए कोस ए। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले को कैसे याद करेंगे आइए देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे एंगल क्या था, 2a था, फार्मूले में एंगल का क्या हो गया, हाफ हो गया, हाफ हो गया ना, यहाँ पे 2a था, यहाँ पे a रह गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं साइन a का फार्मूला क्या होएगा, जैसे यहाँ पे एंगल का हाफ हो गया तो यहाँ पे भी एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, a बाय टू और कोस a बाय टू। 30 फार्मूला देखते हैं, कोस 2a का फार्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस के साइंस के रे। ठीक है दोस्तों, एक तो ये फार्मूला होता है और दूसरा फार्मूला होता है इसका टू कोस के रे माइनस वन या वन या वन माइनस के टू साइंस के रे। ठीक है दोस्तों, ये इसको फार्मूले का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये भी फार्मूला है इसका, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे बने, सिंपली मैंने आपको फर्स्ट फार्मूला दिया था, कोस स्क्वायर ए को वन माइनस साइंस स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा और साइंस स्क्वायर को वन माइनस कोस स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा। 31 फार्मूला क्या है, टेंजेंट 2a, इसका फार्मूला क्या होता है, टू टेंजेंट ए अपॉन में वन माइनस के टेन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 32। ठीक है दोस्तों, साइन 2a का एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है, टू टेंजेंट ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। उसके बाद आता है, यहाँ पे लिख देते हैं 33। हाँ जी, ऐसे साइन 2 का टेंजेंट की फॉर्म में फार्मूला होता है, कोस 2 का भी टेंजेंट फॉर्म की फार्मूला होता है, वो क्या होता है, वन माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस के टेन स्क्वायर ए। ठीक, आइए और फार्मूला देखते हैं, जैसे 34 है साइन 3a। हाँ जी, साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यूब ए। उसके बाद आता है 34, ऐसे कोस 3a का फार्मूला भी होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, 4 कोस क्यूब ए माइनस के 3 कोस ए। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, हाँ जी 34 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यूब ए, इसमें जस्ट उल्टा कर देंगे, इसको आगे लिख देंगे 4 कोस क्यूब ए माइनस के 3 कोस ए। उसके बाद आता है 36, लास्ट फार्मूला रह जाता है, इसका फार्मूला टेंजेंट 3a, क्या होता है, 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 टेंजेंट ए माइनस के टेंजेंट क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, मैंने ये सभी फार्मूले एक जगह पे लिख दिए हैं, अगर आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल इतने फार्मूले होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके बेस पे डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इन फार्मूलों को याद कैसे कर सकते हो, आप इनको नोट कर लीजिए और आप जितनी बार इस वीडियो को देखोगे या जो नोट किए हुए फार्मूले उनको बार बार देखोगे, उनके ऊपर क्वेश्चन करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।